अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का असाइनमेंट हमारा CS 420, ये है वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस। इसकी जो टोटल मार्क्स है वो 20 मार्क्स है और इसकी आखिरी डेट जो है 10 जून 2022 है। रिक्वायरमेंट क्या है इसको पढ़ लेते हैं। आपका असाइनमेंट जो है वो कॉपी नहीं होना चाहिए और 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोगों ने इसे कॉपी किया या किसी नेट से कॉपी किया, ठीक है। और आप चलते हैं इसके असाइनमेंट पर। असाइनमेंट 1 में क्या है, और ये कह रहे हैं कि असाइनमेंट जो है आपका zip फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। यानी zip फॉर्मेट में आपने इसको सेंड करना है, बट के फाइल में सेट नहीं करना है, ठीक है। तो असाइनमेंट 1 में क्या है, वर्चुअल यूनी को अपनी एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, जिसमें जो है फॉलोइंग सेक्शन होनी चाहिए, यानी कि एक लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आप डाल सकते हैं, नेविगेशन बार डालना है आपने, हेड सेशन डालना है, पेज सेशन डालना है और फुटर सेशन डालना है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हमने एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, उसको देख के आप बना सकते हैं उस जैसा आपने बनाना है। और शुड भी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है। डेस्कटॉप पर कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि एक हेडर चाहिए, इसमें बीच में नेवबार होना चाहिए, हेडर होना चाहिए और नीचे फुटर होना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल फ्रेंडली में इस तरीके से रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं ये आपको एक रेफरेंस दिया गया, अगर आप चाहें तो अपनी भी कोई बना सकते हैं। इसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, कलर स्कीम कोई भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। ज़रूरी है कि आप एक्जैक्टली सेम बनाएं इसको, इसका लेआउट आप सेम बनाएं, ठीक है। तो और यहाँ लिखा हुआ है यू कैन यूज़ HTML CSS बूटस्ट्रैप, आप लोगों के लिए बहुत आसानी कर दी है। HTML CSS बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप से आराम से रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, तो कोई इतनी इशू वाली नहीं है। और इसके अलावा भी कह रहे हैं कि आप अदर फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल फ्रेंडली फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपने तीनों फाइल एक फोल्डर में रखनी है और इसको जिप कर देनी है, ठीक है, बहुत आसान है। मेरे पास ऑलरेडी कोड मौजूद है, मैं इसको सैम्पल दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सकते हैं आप अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो देखें, मेरी कोशिश ये की है कि जो उन्होंने दिया है वही करें, ओके एक्स्ट्रा ना करें, ओके एक्स्ट्रा करने के बाद उतारा मार्क्स मिलते नहीं है, ठीक है। वही ऊपर ये आ गया नेवबार, अब ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं इसको डेस्कटॉप भी मैं लेके चलूँ, देखें ये इसका आ गया नेवबार, सही से नेवबार आ गया, आप चेंज कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये आ गया इसका हेडर वगैरह, ठीक है, हेडर का सेशन आ गया इसमें, ठीक है, ठीक है। सेम इसमें लॉगिन बटन आ रहा है, इसमें देखें 3 डिप आ रहे हैं, 3 डिप यहाँ पर भी हमारे आ रहे हैं, ठीक है। आगे आइए, आप आगे है फुटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है आप एग्जिट करें, नीचे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा आ रहा फुटर और बीच में मैंने अबाउट उसका सेशन एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। तो इसको देख के आप एडिटर के दिखा दीजिए, लेट सपोज यहाँ लिखा हुआ है वर्चुअल यूनी, ठीक है, वर्चुअल यूनी लिखा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने टेम्पलेट पे आएंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे 1 पेज, ठीक है, अपने फाइल में आएंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, 1 पेज करेंगे, देखें 1 पेज लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। तो 1 पेज की जगह मैं क्या करूँगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आकर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखें यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे नेवबार हटा देंगे। और आप लोगों ने लेट सपोज कि डिसाइड नेवबार है, आपने कोई मैसेज लेट सपोज टीम वाला हटाना है, तो टीम को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल एफ करके यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे वापस टीम आ रहा होगा, टीम देखें यहाँ आ रहा है, तो इसको मैं क्या होगा यहाँ आके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर दूँगा, तो ये हो जाएगा कमेंट। कमेंट होने के बाद क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप चेंज कर लें, बहुत आसान है, इतना तो आप लोग भी कर लेंगे अगर आपको थोड़ी बहुत अपने एस्टिमेट पड़ी हुई है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से आप टेम्पलेट एडिट कर देंगे, आपको मैं टेम्पलेट दे दिया है, बहुत आसान है बनाना। और रही बात इसकी कि रिस्पॉन्सिवनेस की, चेक कर लेते हैं क्या है। रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, सिंपल ये ओपन डेवलपर मोड लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप डेवलपर मोड पर क्लिक करेंगे तो आपका रिस्पॉन्सिव खुल जाएगा, अभी देख सकते हैं डायमेंशन दी हुई है इसके अंदर। लेट सपोज अगर मुझे मोबाइल में इसको चेक करना है तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S8, देखिए मोबाइल फ्रेंडली भी है, ठीक है। इसके अलावा और अगर आप इसको मैं सिंपल करता हूँ रिस्पॉन्सिव में, और ये देखें पकड़ूंगा, ये देखें आराम से रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो यही चाह रहे थे वो कि इस तरीके से रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेवलपर मोड पर जाकर आप रिस्पॉन्सिव चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका असाइनमेंट, ठीक है। और पूरा एग्जैक्ट या आपका कोड भी मौजूद है, आप इसका चेंज कर लें, और जो फजूल चीज़ें उसको आप यहाँ से रिमूव करते हैं, कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों को लगेगा आपने फिर नेट से कॉपी किया, ठीक है। तो जो अच्छा लगे वो आप इसका ऐड कर दें, कलर वगैरह चेंज कर दें, टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दें, और एक दो चार चीज़ें भी अपनी तरफ से ऐड कर दें, और बाकी जो फालतू चीज़ें वो आप यहाँ से रिमूव कर लें, ठीक है। तो ये था आपका असाइनमेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।